दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, तो क्यों ना हम अपने घर को भी ज़रा फेस्टिव रेडी कर दें। सो हियर आई एम विद अनदर रूम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इम्परफेक्ट डायरीज। फ्रेंड्स, हमारे घर पे सोफ़ा नहीं है, एक छोटा सा बेड है, तो दैट वी यूज़ एज अ सोफ़ा। थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, तो मैंने सोचा इस दिवाली ज़रा चेंज करूँ अपने लिविंग रूम का सूरत। तो मैंने यहाँ से ये बेड को हटाया और एक सिंगल गद्दा बिछा दिया है फ्लोर पे। इस बार मैंने सोचा एक फ्लोर सिटिंग का लुक लाऊं अपने लिविंग रूम में, तो गद्दा डाल के मैंने एक क्वर्की फेदर प्रिंट वाला बेडशीट डाल दिया है। उसके ऊपर कुछ ब्राइट रेड कलर के कुशन्स डाल दिए हैं, और कुशन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने एक प्लेन वाइट कलर का पिलो भी रख दिया है। और ये एक अमेज़ॉन का बेस्ट सेलर है। इनफैक्ट ये रग मैंने अभी ये दिवाली के लिए अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, और ये एक छोटा सा प्लांट स्टैंड है जिसको मैं डेकोर में यूज़ करूँगी। ये प्लांट स्टैंड भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। तो ये जो प्लांट स्टैंड है, इसको मैं एक कॉर्नर में रख के कुछ प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लगा दूंगी और कुछ डेकोरेटिव पीसेस रख दूंगी। ये एक ग्रीन कलर का छोटा सा प्लास्टिक का स्टूल है मेरे पास, जिसको मैं यूज़ करूंगी एक कॉर्नर में। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ऐसा, मेरे पास एक कॉटन का बैग था तो वो रख डाल दिया है। और मैंने पूरे रूम का लुक जो भी कवर किए हैं वो सब थोड़ा न्यूट्रलिश रखा है, जैसे न्यूड कलर्स में। और मेकओवर के लिए मैं कुछ DIYs करूँगी, एक दो DIYs ही करूँगी मैं। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा बास्केट है जो मैं एज अ स्टोरेज यूज़ करती हूँ, और इसके ऊपर मैंने एज अ फ्लावर वास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगाए हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको मैंने ज़्यादा पेंट नहीं करने का सोचा है, तो एक कलरफुल सा लेस लगा दूँगी। कोई भी आप पॉम्पॉम या फिर टैसल वाला कुछ भी लगा सकते हो, आप चाहो तो पूरा पेंट भी कर सकते हो। मैंने नॉर्मल फेविकॉल लिया है और इसको स्टिक कर दिया है ये लेस को। ये एक छोटा सा लेस लगा देने के बाद भी काफ़ी इसका लुक एनहेंस हो जाता है ये बास्केट का। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, बास्केट का बेस पोर्शन है, यहाँ पे मैं बस सिंपल ट्रायंगुलर डिज़ाइंस वाइट और येलो कलर से कर दूंगी। और ये हो जाने के बाद अभी जो सेकंड DIY है, उसके लिए मैंने वही एक बैम्बू का बास्केट लिया है, और मेरे पास ये एक शंख, जो सी शेल्स होते हैं उसका बना हुआ एक पीकॉक है, उसको मैं सिंपल इसमें जो ऐसे वायर्स होते हैं, मेरे पास एक ये गोल्डन वाला था, इसको ही मैं उस पर लपेट के पीकॉक पे उसको सिक्योर कर लूँगी पीछे से। और ये होने के बाद इसको या तो हम डबल टेप से स्टिक कर सकते हैं वॉल पे, या फिर इसके ऊपर जो बैम्बू का जो वो बुनाई हुआ है उसके अंदर से हम कोई भी रोप कुछ भी लेके इसको हैंग भी कर सकते हैं। और थोड़ा इसका लुक एनहेंस करने के लिए मैंने ये एक स्ट्रिंग लाइट भी ऐड कर दिया है, ताकि ये रात को काफ़ी सुंदर लगे। वैसे ये मेरा सबसे अच्छा फेवरेट DIY है। और जो साइड में मेरे लिविंग रूम के जहाँ पे मेरा बेड रखा हुआ था, जहाँ पे मैंने फ्लोर सीटिंग का अरेंजमेंट किया है, वहाँ साइड में ही मेरे जगन्नाथ जी हैं। मैंने इनका पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे बस ये एक DIY किया हुआ कैंडल होल्डर है वो लगाया है, और ये सामने एक छोटा सा प्लास्टिक का कैंडल रखा है आर्टिफिशियल, और बस ये लुक कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ऐसे मैंने छोटे छोटे कुछ DIYs ही रखे हैं, जैसे कि बॉटल पेंटिंग्स हो गए, और ये बहुत प्यारा सा एक कांच का दिया है जो मैंने शायद कोडाईकनाल से लिया था। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ चीज़ें लेके मैंने ये प्लांट स्टैंड को भी डेकोरेट कर दिया है। ज़्यादा प्लांट्स मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटी सी बच्ची है, तो मैं घर में ज़्यादा कांच की चीज़ें नहीं रखती, या फिर प्लांट्स, लाइव प्लांट्स नहीं रखती हूँ।
इसी डर से कि कुछ खराब ना हो जाए। और ये भी एक DIY किया हुआ कैंडल स्टैंड है, इसका मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, ये टिफ़िन का जो मैंने बनाया था। और ये एक कॉर्नर में मैंने ऐसे इसको डेकोरेट कर रखा है। और ये जो पीकॉक वाला बनाया था बास्केट का, वो विंडो पे मैंने टांग रखा है। एक वही सी शेल्स का एक कर्टन पार्टीशन जैसा था, उसका पूरा सेट है मेरे पास, लेकिन फ़िलहाल मैं कर्टन रॉड से ही इसको टांग दिया है। और एक मेरे पास ये कैंडल होल्डर था येलो कलर का, वो भी लगा रखा है लेयरिंग करके। तो अभी आते हैं जो सीटिंग किया है उसके दूसरे कॉर्नर पे। दूसरे कॉर्नर पे मैंने एक वो जो स्टूल रखा था उसके ऊपर अपना एवरग्रीन कारवा रखा है। और ये एक कांच का ग्लास थोड़ा क्रैक हो गया था, तो मैंने उस पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और प्लांट्स रख दिए हैं। और ये एक छोटे से बास्केट में कुछ फ्लावर्स। और ये जो लैम्प है, लैम्प का DIY किया हुआ है, तो ये DIY मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ उसके पास मैंने रखा है एक छोटा सा स्टूल, थोड़ा कलर ऐड करने के लिए, और कुछ बुक्स, और एक मेरा ये डायरी, ताकि ये जो मैंने बनाया है फ्लोर सीटिंग, यहाँ पे मैं बैठ के काम करती रहती हूँ, तो एक डायरी और पेन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे ये एक टेराकोटा का एलिफेंट है, जो एक दिया स्टैंड ही है जिसको मैंने ब्लैक और गोल्डन में पेंट कर रखा है। ये एक छोटा सा पेपरवेट जैसा है लेडी बर्ड पेंट कर रखा है मैंने। तो ये छोटे मोटे कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये छोटा सा टीपॉट है जिसमें मैंने एक लाइव सिंगोनियम प्लांट लगा रखा है। तो ये टीपॉट भी छोटा सा है, गोल्डन कलर का है। तो ये जो मोनोटोन एक लुक लिया है मैंने अपने रूम को सजाने के लिए, ये थोड़ा उस पर कलर ऐड कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने रूम जो बैकग्राउंड भी किया है, मेरा वॉल थोड़ा ख़राब हो रखा है, बहुत पुराना है, हमने पेंट नहीं कराया था, तो मैंने ये एक ब्लैक ग्रेइश कलर का एक साड़ी है मेरे मम्मी का, मौसी का एक्चुअली, ये साड़ी मैंने लपेट के रखा है और बैकग्राउंड के हिसाब से। और फिर ये वॉल पे जो हमने प्लेट्स बनाए थे, पेंट किए थे, ये वही है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो दोस्तों, ये आ गया फाइनल लुक हमारे, जो भी हमने सीटिंग का चेंज किया था। शायद ये जो बैकग्राउंड है ऐसा एकदम क्लोज्ड लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस डार्कर शेड ऑफ दिस साड़ी, बट समहाउ इट इज़ लाइक इट इज़ सूदिंग फॉर मी, बिकॉज इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो यही मुझे बेस्ट लगा, अभी तो पेंट नहीं करा सकते थे। और फ्लोर सीटिंग का ऐसा है कि एक तो जो मैंने जैसे बताया, जो बेड है उसने उसको हमने दूसरे तरफ, जो दूसरा वॉल है वहाँ पे साइड में लगा रखा है। और इसको यहाँ पे ये जो फ्लोर सीटिंग बनाया हुआ है, इसके एकदम ऑपोजिट वॉल पे ही मेरा एंट्रेंस है और उसके बाजू में हमारा TV है। तो यहाँ पे हम बैठ के बात कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन है, घर पे मेहमान आते रहते हैं, आने वाले हैं, आ सकते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस हैं, तो कोई भी आते हैं, कम हो ज़्यादा हो, तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, बच्चे बेड पे खेल सकते हैं। ये सब ध्यान में रख के हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ है। और अगर ये सब हम ये बुक्स वगैरह हटा दें, जैसे फेस्टिवल टाइम में वहाँ पे एक ब्रास का लुक, जो एक एंटीक लुक देने के लिए मैंने ऐसा एक केक स्टैंड जो रिवॉल्विंग होता है वो लिया है, उसके ऊपर एक ब्रास का प्लेट, पीतल का थाली, पीतल के थाली के ऊपर मैंने ये जो भी आइटम्स यूज़ किए हैं, ऐसे एक कलश जिसपे एक फूल रखा हुआ है, एक सिंदूर का दानी है छोटा सा, एक कैंडल स्टैंड है। और ये सबसे प्यारा चीज़ है एक्चुअली, ये भी पीतल का ही है, मैंने एक हम माउंट अबू गए थे वहाँ से लिया था, एक डाइनिंग का सेट है छोटा सा क्यूट सा। ये एक्चुअली मैंने
आज पहली बार यूज़ करा है और अपने फ्रेंड्स को ही ध्यान में रख के किया है। जैसे हमारे साइड में है हमारे नेबर्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम चार लोग हैं। काफ़ी बार हम लोग ऐसे चलो आज चाय पीते हैं, चलो आज ये ड्रिंक्स जैसे मतलब शरबत वगैरह, हम जलजीरा पार्टी करते हैं, हम चाय पार्टी करते हैं। तो ये वो चीज़ को ध्यान में रख के किया है। फेस्टिवल्स में वो लोग आएंगे यहाँ पे हमारे घर पे, हम लोग मस्ती मजाक करेंगे। तो ये हम चारों का रिप्रेजेंटेशन किया करने का ट्राई किया है मैंने। और एक छोटा सा दिया, जिस पे मैं दिया नहीं लगा रही, बस मैं एक नॉर्मल टी लाइट कैंडल ही रख रही हूँ। तो ये हो गया एक और वेरिएशन। आप जब हम फेस्टिवल का टाइम होता है क्या, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, तो बस अब ये यहाँ पे मैंने वही प्लांट ही रखा है सिंगोनियम का, और ये एक वही शंख सी शेल्स का, ये एक और एक कैंडल होल्डर है वो सजा दिया है। तो हो गया एक वेरिएशन हमारे फ्लोर सीटिंग में। आपको मेरा ये कोशिश, मेरे घर का जो लुक चेंज करने का कोशिश कैसा लगा और कितना पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हैप्पी दिवाली, बाय।